द फाइनल बॉस द रॉक की डार्क रियलिटी आखिर क्या है, ये क्या आर्टिकल छाप दिया है द रैप ने जिसमें रॉक के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो भाई समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा सच में रॉक कर भी सकते हैं या कभी हम रॉक को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जब रॉक रिसेंटली WWE में वापस आए, उनको TKO पे बोर्ड की सीट दी गई तो बहुत सारी उल्टी सीधी रिपोर्ट्स आ रही थी कि रॉक बहुत सेल्फिश बंदा है, रॉक ये कर देगा, रॉक वो कर देगा, सारी चीजें रॉक कर देगा। लेकिन उसके बाद जो हमें TV पे देखने को मिला, जो स्टोरी लाइन में देखने को मिला, वो तो रॉक की तरफ से कुछ और ही देखने को मिला, अच्छी चीजें देखने को मिली। लेकिन अभी हॉलीवुड साइड से भी रिपोर्ट आ रही है कि रॉक एक अच्छा इंसान नहीं है, रॉक की वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं, रॉक का हॉलीवुड करियर शायद खत्म होने वाला है। और क्या रॉक को भी ये बात पता है, इसी वजह से वो WWE में वापस आ गए हैं? क्या है ये कहानी, जानेंगे सारे सीक्रेट्स आज, जो पूरी बिहाइंड द सीन स्टोरी है डिटेल में बात करेंगे, द डार्क साइड ऑफ ड्वेन जॉनसन। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये बैकग्राउंड के बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा इसको वापस लाना चाहिए, साइड वाले बैकग्राउंड को हटा दिया, फेंक दिया उसको, ये रहेगा हमारा टेम्परेरी सेटअप कुछ टाइम के लिए अब। लेकिन यहाँ पे रॉक के बारे में क्या सुनने को मिल रहा है, माना जा रहा है कि रॉक की एक मूवी आने वाली है Red 1 करके, November 24 में इस बार रिलीज होने वाली है इस साल में, जिसमें क्रिस एवंस भी हैं उनके साथ। और लास्ट ईयर की जो लेबर स्ट्राइक चल रही थी हॉलीवुड में, उसकी वजह से ये मूवी को डिले करा गया। लेकिन जो रियल रीजंस इस आर्टिकल में बताए जा रहे हैं द रैप के तरफ से जो पब्लिश करा गया है, वो ये है कि रॉक शायद लेट आते हैं, रॉक ने पूरा मूवी का बजट हिला के रख दिया है, रॉक मूवी के बजट को मिस यूज कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे अबाउट ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है जो रियल रीजन कि आखिर क्यों ये मूवी जो है डिले हो गई, वो कोई ये लेबर स्ट्राइक की वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से हुआ है बिकॉज ड्वेन जॉनसन द रॉक की लैक ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर और सेट पे मूवी के लेट आना, और साथ के साथ जो प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं मूवी पे, प्रोड्यूसर की अलग से बात करेंगे, उसकी वजह से मूवी का पूरा बजट जो है वो $250 million से भी ऊपर चला गया है, जो कि $50 million ज्यादा हो गया ओरिजिनल प्लान्ड बजट से। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मूवी के सेट पे रॉक आते हैं 8-8 घंटे लेट, उनकी वजह से शूटिंग जो है वो डिले करी जाती है और लोग कई बार वेट करते रहते हैं कि रॉक कब आएंगे, कब हम शूटिंग स्टार्ट करें, और कभी कभी तो रॉक मूवी के सेट पे आते भी नहीं है। और ये जो सबसे कमाल की बात है, इसके डिटेल में हम जाएंगे, वॉस नाम की एक बॉटल की कंपनी आती है, उसमें रॉक पी करते हैं, रॉक पीज इन अ वाटर बॉटल, क्यों भाई? और फिर इतना ही नहीं, वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को बोलते हैं कि जाके इसको फेंक के आओ। ये कैसी एलिगेशंस लग रही हैं भाई, विंस मैकमैन, ब्रॉक लेसनर, अब रॉक के ऊपर भी एलिगेशंस लग गई हैं। लगता है किसी का सक्सेस या तो देखा नहीं जाता या फिर रियलिटी बहुत अलग होती है हमको जो टीवी पे देखने को मिलता है उससे। तो Amazon MGM के जो स्टूडियोज हैं वो ये मूवी बना रहे हैं और उन्होंने क्लियरली और ऑब्वियसली इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है कि रॉक ऐसा कुछ नहीं करते हैं और रॉक जो है वो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। लेकिन हमको ये सुनने में आया था WrestleMania 40 के टाइम पे कि रॉक जो WrestleMania वर्ल्ड की अपनी अपीयरेंस है उसमें 2-3 घंटा लेट पहुंचे थे, और जब वो आए थे तो और ऐसे एक्ट कर रहे थे कि क्या ही फर्क पड़ता अगर मैं लेट आ गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लोगों को। तो वो चीज जो है ऐसा लग रहा है कि WWE की तरफ से तो बोला जा रहा था उनकी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, WWE की और कमिटमेंट्स हैं, लेकिन ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और एक बंदा इनसाइडर इस रिपोर्ट में मेंशन करा गया, वो बता रहा है कि ड्वेन डज नॉट गिव अ एफ, उसको फर्क नहीं पड़ता है मूवी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो अपने टाइम पे चलेगा, उसके 3-3 घंटे के जो वर्कआउट्स होते हैं वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, बाकी सारी चीजें जो है उन वर्कआउट्स के अराउंड चलेंगी उसके दिन में, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि भाई दूसरी तरफ से रॉक को डिफेंड करने के लिए भी कुछ रिपोर्ट्स में चीजें बोली गई हैं कि कुछ इनसाइडर लोग कह रहे हैं कि रॉक तो 1-1 घंटा ही लेट होता है, उससे ज्यादा कभी लेट नहीं होता। और ये भी बोला गया है जो 200-250 million का बजट है और ओरिजिनली इतना ही बजट था मूवी का, रॉक की वजह से कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन गाइज ये रिपोर्ट और भी ज्यादा डेप्थ में चली गई, इसीलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। बॉलर्स नाम का रॉक का एक शो आया था और साथ के साथ रैम्पेज नाम की एक मूवी आई थी, उनके इनसाइडर्स भी बता रहे हैं कि रॉक लेट आते थे उस प्रोजेक्ट में भी सेट पे, और ये रॉक की आदत बन चुकी है और ये कंट्रोल थिंग है, रॉक को मजा आता है करने में कि 4-5 घंटे से ज्यादा मैं दिन में काम नहीं करूंगा, उनको कंट्रोल चाहिए उस चीज का कि वो उसमें खुश रहे, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, रॉक को पता है मेरी पावर बहुत ज्यादा है उसका, वो मे बी मिस यूज करते हैं। और इसी वजह से कुछ मूवी स्टार्स यानी कि विन डीजल और रायन रेनल्ड्स के साथ उनके रिलेशनशिप काफी देर तक खराब भी रहे, आई डोंट नो वो किस स्टेज पे हैं प्रोफेशनली या फिर पर्सनली, और इसी वजह से काफी जो उनके पहले के भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सफर किया है रिपोर्ट कहती है। लेकिन जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मूवी के प्रोड्यूसर्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, रॉक के
कोई हो गए बोलने वाले, वो ऑब्वियसली रॉक को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। रूमर्स ये भी कहते हैं कि रॉक को कोविड हो गया था क्योंकि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक किया था अपने सेट पे एक टाइम पे, और वो बार बार अपने प्राइवेट जेट में अपनी फैमिली से मिलने जाते थे, और यहाँ पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी जिसका आपको स्क्रीनशॉट अभी दिख जाएगा, फिर बाद में डिलीट कर दी, जहाँ पे रॉक बात कर रहे हैं कि मैं 14 घंटे का काम करके आया, आज बहुत लंबा दिन था ये वो, जबकि सच्चाई ये थी कि उन 14 घंटे में रॉक इधर उधर थे, आधे टाइम अपने ट्रक में बैठे थे, लेट पहुंचे थे, और उसके बाद जब बाकी का जो क्रू है वो वहां पे खड़ा होकर लेट हो गया, और उस चीज के लिए ओवर टाइम के लिए बाकी का क्रू जो है उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, और रॉक आराम से अपने काम से काम कर रहा, और बाद में पोस्ट भी डालता है कि 14 घंटे आज तो मैंने काम किया, कितना बड़ा आज का मेरा ये दिन था। और अब आते हैं हम इस वाटर बॉटल में पी करने वाली बात पे, तो 2017 में रॉक ने इसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट करी थी और इसको एक्सेप्ट किया था कि वो ऐसा करते हैं अपने आयरन पैराडाइज में जिम में, बिकॉज उनका वो रिमोट जिम है, हर जगह वो लेके जाते हैं और वहां पे बाथरूम नहीं है तो उनको और कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, उन्होंने एक बॉटल रखी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली ये एलिगेशंस को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट करा जा रहा है कि कोई पर्सनल असिस्टेंट को वो अपने बॉटल देते हैं कि भाई जाके इसको फेंक के आओ। और इतना ही नहीं, ये भी बोला जा रहा है कि ये जो 250 मिलियन का बजट था रॉक का इस मूवी का अमेज़न का, रॉक अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब वो फिल्म कर रहे होते हैं और जो क्रू वहाँ पे शूट कर रहा होता है उसको ओवर टाइम के लिए वो रोक लेते हैं और अपनी टेरेमाना XFL बाकी जो उनकी कंपनीज हैं उसकी फुटेज एड्स वगैरह फिल्म करने के लिए वो यूज़ करते हैं उनको। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो सिर्फ इक्विपमेंट को बोरो करते हैं लेकिन अपना क्रू लेके आते हैं फिल्म करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन रॉक के अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टार्ट करा गया है। एक और कमाल की स्टोरी इसके साथ जुड़ी हुई है, इस मूवी के प्रोड्यूसर के साथ हिरेम गार्सिया जिनका नाम है, जो कि द रॉक की एक्स या फिर हम कह सकते हैं वाइफ, आई डोंट नो कौन थी वो डैनी गार्सिया, उनके वो भाई हैं। तो रॉक के वो एक टाइम पे पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, जी हाँ, उनके लिए प्रोटीन शेक बनाना, आगे पीछे घूमना, उनका काम करना। और आप मानेंगे नहीं कि यही बंदा अब रॉक की कंपनी 7 बक प्रोडक्शंस का जो है प्रेसिडेंट बन चुका है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है और इस मूवी का वो लीड प्रोड्यूसर भी है। और बहुत सारे बात यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि कैसे बंदा बिल्कुल फिट नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है प्रोड्यूस करने की, और कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी का आइडिया ही हिरेम गार्सिया ने दिया। इनफैक्ट रिपोर्ट्स बताते हैं कि पहले जब रॉक ने ब्लैक एडम करी थी तो DC में भी हिरेम गार्सिया को जो है घुसाने की कोशिश करी थी वहां पे लोगों की पोजीशन पे, ताकि रॉक का कंट्रोल आ सके और इवेंचुअली DC यूनिवर्स जो है वो रॉक पूरा कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया DC ने, वहां पे मे बी हम कह सकते हैं वो बच गए। लेकिन बेसिकली इस वजह से इसको प्रोड्यूसर बनाया गया, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रॉक के साथ किसी की लड़ाई ना हो जाए, रॉक के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ पहले सफ़र करें, लोग नहीं चाहते थे वो चीज़ रिपीट हो, तो इस वजह से यहाँ पे उनको हायर करा गया ताकि स्मूथली सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये गाइस सिर्फ रॉक की या फिर एक प्रोड्यूसर की गलती नहीं है कि ये मूवी इतना सफ़र कर रही है या फिर रॉक के और प्रोजेक्ट सफ़र कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रॉक के साथ आखिर चल क्या रहा है, आखिर बंदा करता क्या है बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज रॉक एक बहुत लव्ड पर्सनैलिटी है सोशल मीडिया पे स्पेशली, वो कुछ कुछ डालते रहते हैं हमेशा और लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर रियलिटी में कुछ और ही चल रहा है तो चीज़ें कभी ना कभी बाहर आ जाती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा ये सब सच है बिकॉज everyone is innocent till proven guilty, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि अगर ये रेड वन मूवी फेल हो जाती है तो रॉक के बहुत सारे कंसेक्यूटिव ऐसे लगातार प्रोजेक्ट हो जाएंगे जो फेल होते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ ब्लैक एडम है, स्काई स्क्रेपर हैं, और भी मूवीज जो रॉक की इतनी कोई खास चली नहीं, उनके प्रोजेक्ट्स जो और कुछ खास चले नहीं। क्या इसी वजह से रॉक ने बात को रियलाइज करा और TKO के बोर्ड पे वो आना चाहते थे, ताकि अगर बेसिकली उनका हॉलीवुड करियर खत्म हो जाए कभी एक पॉइंट पे तो WWE में वापस आके उस कंट्रोल को लूज नहीं करेंगे कभी जो वो हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, जब आप ये सारी बातें सुनते हैं कि रॉक दूसरों को कंट्रोल करता है, रॉक ये करता है वो करता है, बहुत कॉमन रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने सेम सुनी थी जब WWE में वो वापस आए थे कि कैसे रॉक सब कुछ खुद से चेंज करना चाहता है, पर फिर उन्होंने पिविट किया और फैंस को वो दिया जो फैंस को चाहिए था, एंड वी हैड द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम। तो क्या आप रॉक को पास देंगे यहाँ पे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसको बर्बाद करने के पीछे कोई और बंदे मीडिया में फालतू झूठ फैला रहे हैं? आपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। लेकिन रॉक के करियर पे जो है ये दाग पे दाग लगते चले जा रहे हैं, अच्छा नहीं होता जब एक पॉइंट पे आप इतने पॉपुलर हो और कोई आपको ऑब्वियसली गिराने की कोशिश कर रहा है। अपने ओपिनियंस बताएं गाइस नीचे कमेंट्स में, और वीडियो के अगर आप ऐसे टॉपिक्स देखना चाहते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं आप नीचे मुझे साथ के साथ अपने ओपिनियन के भी। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।